नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर। काफी समय से उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था। 6 साल लगभग हो गए हैं और कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो कंप्लीट हुई है या फिर एग्जाम को दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां कब आएंगी, तो ये चुनाव कंप्लीट होने के बाद में सरकार अब तुरंत एक्शन में आ गई है, क्योंकि जनता ने दिखा दिया है कि अगर रोजगार नहीं है तो वोट भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सारा का सारा जो अभी चल रहा है इसको देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस साल आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अगर नहीं देखने के लिए मिलेंगी तो उत्तर प्रदेश में आने वाले जो चुनाव है 2027 के, उसमें भी जनता का सेम हाल, जनता जो है आपका सेम तरीका अपनाएगी सबक सिखाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मुद्दे पर आते हैं कि हमारा जो सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां कब आएंगी। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां जो आने वाली हैं उसके बारे में कुछ अपडेट हमें देखने के लिए मिली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने जो है तुरंत सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और साथ ही एक निर्धारित समय सीमा के अंदर शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट कराने की मांग करी है। आप लोगों ने कल ट्वीट भी देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी का, और साथ ही इन्होंने एक डेट भी फिक्स कर दी है कि इस डेट से पहले आपको सभी वैकेंसीज को कंप्लीट कराना होगा। अब ये डेट क्या है मैं आपको बता देता हूं, और शिक्षक भर्ती में कौन कौन सी भर्ती है जो इस साल आपको देखने के लिए मिलेंगी, उनका क्रम क्या रहने वाला है, उन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में घटी है पिछले 24 घंटे में, उन सभी पर भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने आपके अधिकारियों के साथ बैठक करके सबसे पहले ये पूछा है कि कितने रिक्त पद हैं, और रिक्तियों को तुरंत रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेजने के लिए बोला है वैकेंसीज निकालने के लिए। तो यहां पर देखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है, वहां से तत्काल प्रभाव चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई प्रपोजल की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे डिले ना हो। ठीक है, नियुक्ति के लिए नियमावली की सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाएं और गलत प्रस्ताव न भेजें। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने एक टाइम लिमिट सेट कर दी है, एक समय सीमा को बनाने का इन्होंने प्रस्ताव यहाँ पे रखा है कि एक निर्धारित समय सीमा आप बनाइए कि इस डेट से पहले आप उस वैकेंसी को कंप्लीट करा लेंगे। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो समय सीमा तय नहीं होती है कि आप इतने समय में इस वैकेंसी को कंप्लीट कराएंगे, वो सालों साल चलती रहती है। 2017 की परीक्षा 2019 में होती है, 2022 की परीक्षा जो यूपी टीजीटी का फॉर्म भरा गया था वो अब तक नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब एक समय सीमा तय होनी चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए कि इस समय में ये परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी। अब चलिएगा आगे चलते हैं, एक और खबर आप सभी के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि परीक्षा चलो मान लिया करा ली भी जाती है, उसके बाद में परीक्षा के लीक होने का मामला सामने आता है, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाता है कहीं ना कहीं कि हर साल यही देखने के लिए मिलता है कोई परीक्षा अगर कंडक्ट होती भी है तो वो लीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर वो सालों साल लटक जाती है। तो कानपुर में फर्जी शिक्षक भर्ती कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये एक्शन तुरंत लिया गया है इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना प्रभाव पड़ता है इलेक्शंस का। ठीक है, जैसा कि हम बार बार आपको बोल भी रहे थे कि जो भर्तियां हैं वो इलेक्शंस के बाद में आएंगी, उसका रीजन क्या था कि हम जानते थे कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो परेशान हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर या अन्य भर्तियों को लेकर जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई साल से गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाली गई हैं या फिर कम निकाली गई हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करते हैं खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, तो योगी आदित्यनाथ जी ने सभी डिपार्टमेंट से बोला है, और सबसे पहले शिक्षक भर्ती की हम बात करेंगे तो शिक्षक भर्ती कब से कब तक हो सकती है, क्या डेट निर्धारित करी गई है, इस चीजों पर भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा जरा एक बार यहाँ पे बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्तियों को कराने की जो है यहाँ पर जो है तैयारी है। यूपी में मान के चलिए अब लाखों जॉब्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि पद बहुत सारे खाली हैं और उन पदों को भरने के लिए अभी लोगों ने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है, तो लाखों भर्तियां आने वाले 1 साल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सुनहरा समय है आप सभी के लिए, ये 1 साल जो होगा ना, इस 1 साल में बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी जिनमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
तो शिक्षक भर्ती की बात करें, समझिएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में भर्ती और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित चीजें हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। तो इरा, इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भी 2 साल से भर्ती जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जो टीजीटी वाली वैकेंसी है, सबसे पहले उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो टीजीटी वाली वैकेंसी में जो आपके 4163 पद थे, इनकी भर्ती की प्रक्रिया 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। फॉर्म भरा लिए गए थे, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो ये पेंडिंग भर्ती जो है ये कंप्लीट कराई जाएगी, नंबर वन प्रायोरिटी पे। उसके बाद में जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी, लगभग 13 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। आप मान सकते हैं 13 लाख लोगों ने 4163 पोस्ट के लिए आवेदन किया था 2022 में, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने की योजना है, ठीक है। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में देखिएगा, इनका क्रम कुछ ऐसे रहने वाला है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो आपकी होगी, और उसके बाद में आपका जो है सेकंड नंबर पे जो टीजीटी और पीजीटी वाली वैकेंसी है ये कंप्लीट कराई जाएंगी। तीसरे नंबर पे आपके यूपी टीईटी की परीक्षा कराई जाएगी, और चौथे नंबर पर आपकी सुपर टेट की परीक्षा कराई जाएगी। इन्होंने इसके लिए एक समय सीमा भी सेट करी है कि समय सीमा के अंतर्गत ये सारी भर्तियां जो है कंडक्ट करा ली जाएंगी। मैं आपको वो समय सीमा भी बता देता हूं, वो समय सीमा क्या है जो यहां पर मेंशन है, बात करने पर यहां पर पता लगा है। तो इन्होंने जो समय सीमा रखी है यहां पर टोटल इन सभी भर्तियों को कंप्लीट कराने की, पूरा इन्होंने 1 साल का समय यहां पर लिया है, यानी कि 10 मई तक ये परीक्षा कंप्लीट कराने की बात कर रहे हैं 2025 में, यानी कि 10 मई 2025 मान के चलिए पूरे 1 साल के अंदर जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में शिक्षक भर्तियां और आपके जो है अन्य भर्तियां यूपी पुलिस या ये सब भर्तियां निकाली जाएंगी। और 10 मई इन्होंने डेट सेट करी है, ये फिक्स डेट टाइम दिया है कि इस डेट से पहले सारी भर्तियां कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि देखो आने वाले 2 से 3 महीनों में, यानी कि मैं बोल के चलता हूं सितंबर तक या अक्टूबर तक, तो सितंबर या अक्टूबर तक आपकी जो है ये यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट हो जाएगा, और सितंबर अक्टूबर के बाद में यूपी टीजीटी और सुपर टेट की वैकेंसी को आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि मैं अगर एक एग्जैक्ट डेट भी यहां पर आपको बता दूं तो यूपी टीटी का जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है और सुपर टीटी का जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मान के चलिए कि अगस्त सितंबर के महीने में आपको यूपी टीटी देखने के लिए मिल सकता है, और साथ के साथ में नवंबर से दिसंबर के महीने में आपको सुपर टेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूं। ये भर्ती प्रक्रिया मोस्ट प्रोबेबली 2025 के अप्रैल तक या मार्च तक कंप्लीट करा ली जाएगी। पूरे टीचिंग वैकेंसीज की अगर बात करें तो सूत्रों से यही पता लग पाया है कि आपका जो अगस्त सितंबर है उसमें आपके यूपी टेट को निकालने की संभावना है, और नवंबर दिसंबर में सुपर टेट के निकलने की संभावना है, ठीक है। तो एक्शन में आ गई है सरकार, लॉस होने के बाद यूपी में काफी लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वैकेंसीज अभी आपको देखने के लिए मिल सकती है, थोड़ा तेजी आई है कार्य में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार चीजें अच्छी रहेंगी सभी के लिए। 1 साल वैकेंसी का ये होने वाला है, सभी लोगों से निवेदन है आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। आप अगर टीचिंग वाला के साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीचिंग वाला की ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिएगा। सो आई थिंक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।